फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नकुल, और आज आप लोगों के बीच रिव्यू करने वाले हैं हुंडई क्रेटा एसेक्स एडवेंचर एडिशन, जो कि अभी नया ही रिसेंटली आया है, लॉन्च किया है। और इसका मतलब स्पेशल एडिशन जैसा होता है ना, एडवेंचर मतलब नाम में भी एडवेंचर, और गाड़ी में अंदर जो ड्राइविंग पे है उसमें भी आपको एडवेंचर, से रियल में एडवेंचर आपको ड्राइविंग मिलेगा। अगर गाड़ी के लुक वाइज बारे में बात करेंगे तो लुक वाइज देख सकते हैं, हालांकि जो ओवर बी एम पी आपको दिया गया है वो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि काफ़ी मस्कुलर्स को फील यहाँ पे करवाता है। अगर यदि आप साइड फेंडर में बात करेंगे तो एडवेंचर का वहाँ पे आपको ये दिया गया है, बैजिंग दिया गया है। तो एडवेंचर मतलब थोड़ा सा साइड व्यू से भी लगता है कि हाँ कोई गाड़ी है। अगर यदि गाड़ी के लुक वाइज बात करेंगे तो फ्रंट का लुक लगभग सेम है, बट आगे का जो ग्रिल है वो थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी को फील करवा रहा है। और साथ में अगर यदि हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे ग्रे फिनिश में, ब्लैक फिनिश में ही आपको ये दिया गया है स्किड प्लेट, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी स्पोर्टी को लुक यहाँ पे देता है। यहाँ पे एलईडी आपको लाइट देता है, ट्विन टिप मतलब ट्विन एलईडी हेडलाइट आपको मिलता है विथ डीआरएल के साथ। यहाँ पे साथ में नीचे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट राइट या टर्न जिधर भी होगा तो ये लाइट हाई हो जाएगा। साथ में आपको एरो कटिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कि हवा को काट के सीधे टायर को देता है टायर ठंडा करने में। अगर यदि गाड़ी के एरोडायनेमिक सेफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मतलब एरोडायनेमिक सेफ है। ये आपको गाड़ी का स्टेबिलिटी जो बनाए रखता है, और वाकई में यहाँ पे तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं है, पहले जैसा था। 190 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडिया के रोडों के लिए वाकई में काफ़ी परफेक्ट है, कहीं से भी कुछ ये नहीं है गाइस। तो साइड में आपको यहाँ पे साइड बिट जो मिलता है वो आपको प्लस पॉइंट होता है, वो क्रेटा के किसी वेरिएंट में नहीं आता, बट एडवेंचर एडिशन में वो आपको आ जाता है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पिलर से लेकर सी पिलर तक ये आपको टोटली ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पर। और ये अगर यदि एलोविल का तो सिर्फ कलर चेंज है, यहाँ पे आपको डायमंड कट एलोविल ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलता है। अगर यदि नीचे बात करेंगे तो नीचे में देख सकते हैं आप, नीचे बीट में जो है वो आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है यहाँ पे गेट पे। इसमें आपको कोई गेट हैंडल पे क्रोम नहीं है गाइस, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। इसमें आपको हालाँकि एसएक्स नॉर्मल एसएक्स में है तो चारों गेट हैंडल पे क्रोम फिनिश किया हुआ है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में। हम बात करेंगे गाइस तो ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल दिया गया है। शार्फिन एंटीना की बात करेंगे तो ब्लैक फिनिश में ही शार्फिन एंटीना आपको दिया गया है। पीछे बात करेंगे गाइस तो आप देख सकते हैं टेलगेट पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेलगेट पे फिनिशिंग दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।